यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई पहुंचे। उन्होंने लूट के शिकार हुए पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी वार किए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है, बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, आए दिन हरियाणा में कोई ना कोई घटनाक्रम पेश आता है। साथ ही राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रोहतक में हुई कलह पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को संयम से काम लेना चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए जारी सर्कुलर पर हुड्डा ने कहा कि अधिकारी तो वैसे ही सम्मान करते हैं और सरकार की ओर से जारी सर्कुलर को देखकर हंसी आती है कि 4 साल बाद सरकार की आंखें खुली हैं। देखिए, मैं कानून व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई है और ये कानून व्यवस्था सरकार की सबसे पहले हमारी एक अब खुदों को जो बदमाश हैं घूमने हैं वो तो खुले आम घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेचारे अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कोई आदमी घर से निकल के अपनी सेफ्टी का जिम्मेवारी नहीं ले सकता और रोज का काम हो गया। सरकार को चाहिए कानून व्यवस्था करें।